सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेल गाइस, मुंह में छाले होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस करनी ही पड़ती है। यूजली मुंह के छालों को माउथ अल्सर, मुंह का आना, मुंह का पक जाना कहा जाता है। और जो मुंह के छाले हैं ये यूजली दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे छाले जो कि मुंह में चोट लग जाने से या फिर इंजरी हो जाने के कारण होते हैं, उन्हें ट्रामेटिक अल्सर बोला जाता है। सेकंड, एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर। और इन अल्सर के होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। वेल, मुंह के छाले मुंह के अंदर, होठों पर, जीभ पर, गालों के बीच में, जीभ के नीचे, कहीं पर भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर छाले जो जीभ पर होते हैं उन्हें एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर कहा जाता है। और मोस्ट कॉमन जो लोगों में अल्सर पाए जाते हैं वो एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर ही होते हैं। वेल, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, यहाँ पर आपको ओवल शेप में, राउंड शेप में जो अल्सर दिख रहे हैं ये एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर ही हैं। इनकी जो बॉर्डर होती है ये रेड कलर की होती है, बीच में आपको ग्रेइश कलर, वाइटिश कलर का पार्ट देखने को मिलेगा। जब ये अल्सर होते हैं तो फिर इनमें दर्द होता है, जलन होती है, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे ये छाले भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कॉजेज करने लग जाते हैं, लाइक बोलने में भी परेशानी होती है, फीवर भी आ जाता है। और कई बारी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग चाहे कोई भी टैबलेट ले लेते हैं, मल्टी विटामिन या फिर अदर सप्लीमेंट ले लेते हैं तो भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, कुछ उनकी गलतियों के कारण भी ऐसा होता है। सो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये अल्सर क्यों होते हैं, इनके कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगा कि आप घर पर कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर इनको ठीक कर सकते हो। कुछ मेडिसिन बताऊंगा, जिन लोगों को ये अल्सर बारी बारी हो रहे हैं वो कौन कौन सी टिप और ट्रिक्स को अपनाकर इनसे बच सकते हैं, और जिन लोगों को बचना ही है कि उनको ये परेशानी हो ही ना, तो वो खुद को कैसे इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जाना जरूरी है कि जो आपको अल्सर हुए हैं वो कौन सा अल्सर है और किस टाइप का है। वेल, ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, छोटे आकार के अल्सर, मतलब मुंह के छाले, जिन्हें माइनर एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर बोला जाता है। इनका जो साइज़ है ये 1 mm से 2 mm तक होता है। देखने में ये राउंड और ओवल शेप में देखने को मिलते हैं, और जब ये होते हैं तब इनमें पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है। वेल, इनके ठीक होने की टाइम पीरियड की बात करें तो ये 3 से 14 दिन तक अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हो या जिस कारण से ये आपको हुए हैं सेम चीज़ वो होती रहती है तो फिर ये हील नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप के, बड़े टाइप के अल्सर, जिन्हें मेजर एफ्थस टोमेटाइटिस अल्सर बोला जाता है। इनके साइज़ की बात करें तो ये 9 mm से 12 mm तक हो सकते हैं, और इनके शेप की बात करें तो गाइस इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। इनकी बाउंड्री रेडिश कलर की होगी, बीच में आपको वाइटिश ग्रेइश कलर का पार्ट देखने को मिलेगा। छोटे आकार के अल्सर के मुकाबले में ये जो अल्सर हैं ये काफ़ी पेन कॉज करते हैं। अगर इनके हीलिंग टाइम पीरियड की बात करें तो गाइस ये 4 से 6 वीक्स का टाइम लेते हैं, ठीक है। अगला है हर्पेटिफॉर्म अल्सर। वेल, इस टाइप के अल्सर आपको पिन पॉइंट में देखने को मिलेंगे, और इनकी जो संख्या है वो भी ज़्यादा होती है, ये आपको 10 से 100 गिनती में देखने को मिल सकते हैं, गुच्छे टाइप में होते हैं। अगर इनके हीलिंग टाइम पीरियड की बात करें तो गाइस इनका जो हीलिंग टाइम पीरियड है ये 2 वीक्स के अराउंड अपने आप ठीक हो जाते हैं। वेल, ये छालों के टाइप थे गाइस, और मे बी आप थोड़ा बोर हो गए होंगे, लेकिन आगे का जो पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये जो अल्सर है इनके होने के कारण क्या क्या होते हैं। वेल गाइस, सबसे पहला जो नंबर है वो है पानी को कम पीना। जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्ट जो अल्सर हैं, जो मुंह के छाले हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है, उसमें पानी की कमी है,
तो फिर उससे आपका जो पीएच लेवल है वो फॉल हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है। अगर बॉडी एसिडिक रहेगी तो आपको मुंह के छाले बार बार होंगे। इस बात को आप एक इजी एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। आप कभी नोट करना कि आपको जो मुंह के छाले हैं वो गर्मियों में ज़्यादा होंगे, सर्दियों में कम होंगे, क्योंकि गर्मियों में बॉडी का जो पीएच लेवल है वो फॉल हो जाता है, मतलब बॉडी एसिडिक ज़्यादा हो जाती है, और गर्मियों में बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप पानी को ज़्यादा पियेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये क्या वाला है? वेल, ये एक तरह का केमिकल है जो कि माउथ वॉश और टूथपेस्ट में मिलता है। आप कभी नोट करना, जब आपको मुंह के छाले होते हैं तो फिर जब आप ब्रश करते हो तो फिर आपको जलन भी होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा साफ़ सफाई रखने के कारण जो कि आप ब्रशिंग करते हो तो उससे वो छाले ठीक नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, ठीक है। तो एक बार आप अपने टूथपेस्ट में चेकआउट कर लेना कि आपके टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट है कि नहीं। ये जो केमिकल है ये झाग बनाने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए जो टूथपेस्ट कंपनीज हैं वो इस केमिकल का यूज़ करती हैं। और कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम को लेके, तो डेंटिस्ट आपकी हिस्ट्री लेते हैं और फिर आपका टूथपेस्ट ही चेंज कर देते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आप अपने टूथपेस्ट को ही चेंज कीजिए। सो अगर आप सेम टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहते हो तो जब तक आपके माउथ अल्सर ठीक नहीं होते तब तक आप ब्रशिंग को अवॉइड कीजिए या फिर अपना टूथपेस्ट ही चेंज कीजिए, ठीक है। नंबर थ्री, ये कॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेल के मुकाबले में फीमेल्स को माउथ अल्सर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो माउथ अल्सर हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल्स को हर महीने उनका पीरियड साइकिल आता है और जो हॉर्मोन्स है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, जिसके कारण उनको माउथ अल्सर मतलब मुँह में छाले ज़्यादा होते हैं। सो हॉर्मोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बारी बारी मुँह में छाले होने का। नंबर फोर, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ऐसे इमोशन जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और प्रीवियसली मैंने बताया कि हॉर्मोन्स के फ्लैक्चुएशन के कारण भी माउथ अल्सर होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो अगर आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, पिंपल आ रहे हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, या फिर आपके जो हेयर हैं वो ग्रे कलर के हो गए हैं, तो आपको इसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। और अगर आपको फिर इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगला जो कॉज है, ये एक टाइप का मिथ है कि लोगों के बीच में, कि अगर आप किसी का जूठा खा लेते हो तो उससे आपको मुंह में छाले हो जाते हैं। ये एक टाइप का मिथ ही है और इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगला कारण है कुछ प्रकार की मेडिसिन, जैसे एंटीबायोटिक्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे एस्पिरिन, या फिर कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे बेटा ब्लॉकर, कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं। आपने कभी देखा होगा और नोट भी किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हम लोग आपको मेडिसिन के साथ में एंटी एसिड एडवाइस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसी मेडिसिन एसिडिटी को प्रोड्यूस करती है। अगर आपको एसिडिटी होगी तो फिर आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, इसीलिए एक एंटी एसिड डॉक्टर आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट हो या फिर मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो, तो इससे आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप विटामिन सी ज़्यादा ले रहे हो लिमसी टैबलेट, तो उससे भी आपको मुँह में छाले हो सकते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको मुंह में छाले कॉज हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 मतलब कि फोलिक एसिड, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, ठीक है। अगला कारण है कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हमारे लिए सेंसिटिव होती हैं या फिर वो मुंह के छालों को होने में ट्रिगर करती हैं, चॉकलेट या फिर खट्टी चीज़ें जैसे
फ्रूट्स आप ले लीजिए, जैसे पाइनएप्पल है या फिर बनाना है या फिर अंगूर है, आड़ू है, संतरा है या फिर लेमन या फिर टमाटर, ऐसी खट्टी चीज़ें मुंह में छालों को कॉज करती हैं। कुछ नट्स, चॉकलेट्स या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ले रहे हो या फिर आप एसिडिक चीज़ें या फिर आप फ्राइड चीज़ें ले रहे हो या साल्टी चीज़ें ले रहे हो, तो इन चीज़ों के कारण भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। अगला है जेनेटिक फैक्टर। वेल गाइस, अगर आपकी मोम को, सिस्टर को या आपके फादर को मुंह में छाले होते हैं तो हो सकता है कि आपको भी मुंह में छाले हों। अगला कारण है स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, लाइक अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है या फिर आपको लूज मोशन हुए हैं, डायरिया हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या किसी भी अदर इश्यूज़ के कारण, तो भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। वेल, कई लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण पानी की कमी होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर आपके बॉडी में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, सो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको मुंह में छाले हुए ऐसा नहीं होता है। वेल, अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आपकी जीभ पर एक कोटिंग पैदा हो जाती है जिसके कारण आपके मुँह में छाले डेवलप हो जाते हैं। अगला है जिन पेशेंट्स की दांतों की एजिस काफ़ी शार्प रहती है, तो उनको भी माउथ अल्सर हो सकते हैं, सेल्फ बाइट चिक्स या फिर टंग बाइट के कारण उनको भी छाले हो सकते हैं। अगला है जो लोग अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनको भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक डिजीज़ है, लाइक क्राउन डिजीज़ या फिर सीलियक डिजीज़, जिसके कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ कारण थे जिसके कारण आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप घर पर मुंह के छालों को कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक क्विक रिलीफ मेडिसिन के बारे में, और ये आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगी मुंह के छालों में, और इसको आपको अपनी उंगली पर लेके अपने छालों पर लगाना है, और जैसे ही आप अपने छालों पर लगाओगे तो विद इन 5 to 15 seconds में ये आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगी। लेकिन जो रिलीफ है ये गाइस कुछ टाइम के लिए, मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट तक हो सकता है। इस बीच में आप अपना खाना खा सकते हो, बोल सकते हो, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। इस जेल को आप दिन में 4 to 5 times लगा सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो मुँह के छालों को ठीक करने के लिए। वेल, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अपना टूथपेस्ट आप चेंज कर दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सोडियम लॉरेल सल्फेट एक हानिकारक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो कि मुंह के छालों को ठीक होने नहीं देता है, तो अपना टूथपेस्ट आप चेंज कीजिए और एक ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जिसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट ना हो। सेकेंड, पानी आपने पीना है। अब पानी कितना पीना है, वेल ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। यूजली आपको 1.5 liters पानी पीना चाहिए। एक गिलास में 300-350 ml पानी आता है, सो आपको पानी ज़रूर पीना है। अब कई लोग पानी की जगह लिक्विड डाइट को पीना पसंद करते हैं। वेल, देखिए, लिक्विड डाइट अच्छी बात है पीनी, लेकिन पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। क्यों? क्योंकि लिक्विड चीज़ें जैसे जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो या फिर लस्सी, कुछ भी आप ले रहे हो, उसका जो महंगाई पीएच वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक है। पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, और जो जूसीज हैं उनका पीएच लेवल थोड़ा कम होगा। सो हमें हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखना है ताकि जो मुँह के छाले हैं वो ठीक हो सकें, इसीलिए आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है। और हमेशा याद रखें कि अगर आपने प्रीवियसली पानी कम पिया है और अगर आपको लगता है कि आपको पानी कम पीने के कारण मुंह में छाले हुए हैं, तो आपको पानी पीना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो ये भी एक कारण हो सकता है मुँह में छाले होने का, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगली जो रेमेडी है गाइज, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपको अरारोट लेना है 15 to 20 grams, एक गिलास पानी लेना है, और अरारोट के अंदर आप टेस्ट के अनुसार आप शुगर ऐड कर सकते हो।
वेल आपको अरारोट पानी में डालना है, उसको उबालिए अच्छे से गैस पे, ठीक है, और उसको इतना उबालना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक नहीं हो जाती है तब तक आप उसको उबालते रहें। फिर जब उसकी कंसिस्टेंसी पूरी थिक हो जाए तो उसको आप बंद कर दीजिए, गैस को बंद करना है, और ठंडा होने पर आप इस अरारोट को खाएं। दिन में अगर आप 4 से 5 बार इस अरारोट को खाओगे तो आपके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होगी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, ठीक है। अगली रेमेडी भगवान ने आपको खुद दी है और वो कॉस्ट ऑफ फ्री है, आपको कहीं नहीं जाना है। वेल, रेमेडी का नाम है आपकी सलाइवा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है और आपके मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं ना, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखना। सो आपको करना ये है कि खाना खाने के बाद आपको नीचे बैठना है पैरों के भार में, और जहाँ पर आपको छाला है, सपोज कीजिए आपको होंठ पर छाला है, तो होंठ को आप नीचे करें और जो आपकी सलाइवा है, जो आपकी लार है, उसको नीचे निकलने दीजिए। आपकी जीभ पर है तो जीभ को नीचे की साइड करेंगे और अपनी लार को निकलने देंगे, तो उससे जो लार आपकी छाले से होकर नीचे जाएगी तो लार का जो पीएच है वो एल्कलाइन है, ठीक है, और छाला जो है एसिडिक है, तो एल्कलाइन जब चीज़ छाले के ऊपर से टपेगी तो हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, छाला भी ठीक हो जाता है। और आप अगर आप इस चीज़ को करके देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपको जो जलन हो रही थी, जो दर्द हो रहा था, वो भी ठीक हो रही है। ऐसे ही कुछ आप अलग ट्राई कर सकते हो मुंह की लार को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक आप अमरूद के पत्तों को चबा सकते हो। 10 मिनट तक अगर आप अमरूद के पत्तों को चबाते रहोगे मुंह में तो आपकी जो लार है वो प्रोड्यूस होगी और अंदर का जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, एल्कलाइन हो जाएगा, जिससे हीलिंग प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आप अमरूद के पत्ते, जो नए पत्ते हैं, अगर आप वो खाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लार अपने आप बन रही है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक आप चबाते रहो, चबाने के बाद जब 10-15 मिनट हो जाएं तो अपनी लार को निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे ही किक्कर के पत्ते, बबूल के पत्ते हैं, जो नए पत्ते हैं, अगर आप उनको चबाते हो तो भी आपकी लार निकलती है, ठीक है। उनको चबाते रहें, 10-15 मिनट के बाद उस लार को निकाल दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा, ठीक है। अगला है इमोशंस। वेल, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इमोशंस हार्मोन्स को फ्लैक्चुएट करते हैं, इमोशंस के कारण गाइज आपका नाइट स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। सो इमोशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अवॉइड नहीं होती है टेंशन। वेल, टेंशन अवॉइड नहीं होती है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। वेल, कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनसे उनको रिलीफ मिलता है। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो कीजिए, बस टेंशन को अवॉइड कीजिए। अगली जो रेमेडी है गाइज वो काफ़ी इफेक्टिव है। वेल, पेन के लिए आप हॉट एंड कोल्ड मेथड को यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2 गिलास लेने हैं, 1 गिलास में चिल्ड वाटर डालना है, 1 गिलास में गुनगुना पानी डालना है, ठीक है। अब आपको जो चिल्ड वाटर है आप उसकी एक घुट को लीजिए और पानी को चारों तरफ मुंह में आपने घुमाना है लाइक, और आपको 20 सेकंड तक करना है। 20 सेकंड कंप्लीट होने पर पानी को निकाल दीजिए और फिर आप गुनगुना पानी पीजिए। सेम मेथड आपने करना है, 20 सेकंड होने पर निकालिए, चिल्ड पानी पीजिए, फिर 20 सेकंड करें, निकाल दीजिए, फिर गुनगुना पानी पीजिए। आप जब ये करोगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपको पेन हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन थी, वो ठीक हो रही है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, अगर आप ये रेमेडीज़ कुछ कर लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी और रेमेडीज़ है, जैसे तुलसी के पत्ते आप चबा सकते हो, एलोवेरा जूस आप पी सकते हो एम्प्टी स्टमक, या एलोवेरा जेल को आप लगा सकते हो, या फिर बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है फिटकरी को आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर के रूप में अगर आप अपने छालों पर लगाते हो तो भी आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज है तो आप फिर दही के साथ केले को खा सकते हो। दही और लस्सी को आप ज़्यादा पियेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसका यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन B12, विटामिन B6 ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। सो अगर आपको मल्टीविटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो कवर अप हो जाएगी। वेल, आपको 1 कप कोसा पानी लेना है और उसके अंदर आप 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और सेम हॉट एंड कोल्ड मेथड की तरह आपको पूरे मुंह में घुमाना है और पानी को निकाल दीजिए। इस मेथड से भी हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ट्रिगर होती है।
सेम ऐसे ही आप साल्टी वाटर को यूज़ कर सकते हो। एक कप गुनगुने पानी में आपने आधा चम्मच नमक डालना है और उसको आप हॉट एंड कोल्ड मेथड की तरह यूज़ करोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कई बारी पेन काफ़ी होता है तो आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हो। वेल, आइस क्यूब को आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आपको पेपर क्लॉथ पर आइस क्यूब को लपेटना है और आप फिर जब माउथ अल्सर पर, मुँह के छालों पर इसको लगाओगे तो आपको काफ़ी इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी गाइस जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब कई लोग ऐसे हैं जो होम रेमेडीज़ को यूज़ नहीं कर पाते अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, जॉब होती है, काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। वेल, ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन है। वेल, पहली मेडिसिन है BNC कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर आपको मल्टी विटामिन के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसकी डेफिशिएंसी के कारण यूजली माउथ अल्सर होते हैं, मुँह के छाले होते हैं, ठीक है। तो BNC कैप्सूल आपको दिन में एक बार लेना है। अगर आपको एक दो दिन पुराना मुँह का छाला है तो आप 7 दिन लीजिए, अगर आपको ज़्यादा है तो आप 15 दिन तक BNC कैप्सूल ले सकते हो, ठीक है। दूसरा कैप्सूल है बीफिलेक कैप्सूल। ये आपके पेट के जो हेल्दी बैक्टीरिया का फ्लोरा है उसको मेंटेन करके रखता है, तो आपको बीफिलेक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। अगर आपको मुँह के छाले 1-2 दिन पुराने हैं तो आप 10 दिन तक लीजिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम से हैं तो फिर आप 15 दिन तक ले सकते हो। साथ ही आप एक जेल यूज़ कीजिए, क्वाड्रा जेल। और गाइज, इनकी सारों की मेडिसिन आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो और फोटो मैं लगा रहा हूँ, आप इजिली देख पाओगे। BNC कैप्सूल आपको दिन में 1 बार लेना है, बीफिलेक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है पानी के साथ, और क्वाड्रा जेल आपको दिन में 3-4 बार लगानी है। और हमेशा याद रखें कि जो क्वाड्रा जेल है या फिर ओरासोर जेल है वो आपको सोते टाइम ज़रूर लगानी है, ठीक है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ गाइस, अगर आपको इस वीडियो से रिलीफ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताना कि आपको किस टाइप का अल्सर था, ठीक है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। तो वेल गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।